अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कल आपने देखे ना बहुत ही कोई ज़बरदस्त से जो लपेटू चने हमने बनाए थे, और दायरे के उस पर आपने कमेंट्स में जिस तरह से आपने तारीफ़ें की हैं, तो मैंने सोचा भाई कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसा है कि बरकरार रहना चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि चिली मिली पराठा हम बनाएंगे। इसके साथ पराठे तो नॉर्मली बनते हैं, बट थोड़ा सा ट्विस्ट से हम बनाएंगे पराठा। बड़ा मज़ेदार लच्छेदार ये पराठा बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने चिली मिली पराठे की रेसिपी। अच्छा, ये आटा मैंने गूंदा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, मैदा, सॉरी ये पूरा मैदा है जिसको मैंने गूंद लिया था। इसे हमने डाला था थोड़ा सा नमक डाल के, इसको हमने गूंद लिया था, ठीक है ना। नमक और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। इस ये देखिए ऐसा सॉफ्ट आपको आटा गूंदना है। तो ये आटा मैंने गूंद लिया है, और ये मेरे पास रखा हुआ है मैदा। मैदा ले लेते हैं और हम बनाते हैं पेड़े। अच्छा, इसके पेड़े थोड़े से स्लाइटली हम बड़े बनाएंगे। ये वैसे भी कोई ब्रांच होता है ना आपके घर में, ऐसे पराठे बनाइए आप, यकीन करें लोग जो है ना आपके फैन हो जाएंगे। ये मैंने लिया था आटा तकरीबन 1.5, मैदा मैंने लिया था 1.5 कप। अच्छा, अब आप चाहें तो आटा मैदा दोनों मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो खाली आटे से बना लीजिए या खाली मैदे से बना लीजिए। मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाली मैदे से, ठीक है। पराठे की लुक ज़रा सफ़ेद सी हो ना तो बड़ी अच्छी लगती है। पराठे को हम जिस तरह से नॉर्मली बेलते हैं सेम हमने वही करना है। ये देखिए इस तरह से जैसे बनाते हैं, कंप्लीट हमें पराठा बेलना है। अब हम लेंगे, ये मेरे लिए है तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है घी, और उसको हम पूरे को इस तरह से, घी थोड़ा सा थोड़ा हल्का सा जमा हुआ सा होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से फैल जाए। अब क्या बारी आती है, अब हम डालेंगे इस पे ये थोड़ा सा हरा धनिया, क्रश किया हुआ थोड़ा सा ये लहसुन तकरीबन 1 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। तो हो गया ना चिली मिली पराठा। हाथ से इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके दबा देंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि अच्छे से जम जाए चीज़ें ना, थोड़ी बहुत निकल भी जाए तो कोई इशू नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी काटेंगे पट्टियाँ इस तरह से, ठीक है, चौड़ी पतली जैसे भी आप काटना चाहें आप इसके काट लेते। हम समझ लें आप नमक पारे बना रहे हैं घर में ना, इस तरह से। ये बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनता है। ये सब चीज़ें जब हम इसको रोल करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी इसमें। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे करके उठाना है, ठीक है, थोड़ा सा चिपक भी जाए तो कोई इश्यू नहीं ना, इसको हम ऐसे करते जाएंगे। और ये इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा इसको दबा लें हाथ से ऐसे करके, और अब हम इसको ऐसे रोल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे। तो ये मत परेशान होइए कि ये निकल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर इसको ऐसे करके दबा देंगे, ठीक है। सब इसी तरह से बनाएंगे, अगेन इसको मैदा लगा के हम इसको रोल करेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं सारे बना के रख लेती हूँ, फिर हम इकट्ठा ही बना लेंगे। अच्छा, ये बना के अगर आपके घर में कोई दावत होती है तो आप ये बना के पहले से इस तरह से बना के रख सकते हैं, उसके बाद एक साथ सारे फ्राई कर लीजिए, तो आपको ज़रा काम आसान लगेगा ना। अच्छा देखिए जी, ये बेल लिया, बेलने के बाद मैंने इसको, अच्छा इसमें भाई देखिए जो बात है, इसमें घी भी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, ये बेले में मेरे पास रखे हुए, और ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना ऐसे बड़े ले लें ताकि ये, क्योंकि फटते भी हैं तो इसको थोड़ा सा मोटा ही बनाया जाता है। लेयर्स आप चेक करें, इसके प्लीज इसके लिए खुली छुड़ जाएंगी, और इसको मैं नसीब देख लेती हूँ, वाह बेहतरीन सिक चुका है एक पराठा। तो इसको हम निकाल लेते हैं, और ये देखें सारी लेयर जो है ना इसके खुल गई। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, और डालते हैं हम इस पर दूसरा वाला पराठा। बस इसी तरह से हम इसको बेलेंगे, लेकिन स्लाइटली मोटा रखेंगे। इससे बड़े अगर आप चाहते हैं तो भाई और बड़ा बना लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है इस टाइप के पराठे ना इतने ही बड़े काफ़ी रहते हैं, बहुत बड़ा कर देंगे तो वो अच्छे भी नहीं लगते।
इसको चेंज करती हूँ उसकी साइड्स। इसको अगर आप देसी घी में बनाना चाहें तो आप चाहिए, लेकिन लपेटू चला होना चाहिए भाई। थोड़ा सा मैं स्लो पर बना रही हूँ इसको, क्योंकि मोटा है ना, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। बहुत ज़्यादा दबाइएगा नहीं, वरना इसकी लेयर जो है ना वो अच्छी नहीं बनेंगी। ये देख सकते हैं क्या लेयर्स बन रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा ये पराठा हमारा तैयार हो गया है। ये बेहतरीन सा फ्राई हो गया है, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। और आपसे ज़्यादा चाहेंगे, लेकिन पता है क्या, आपकी आपको दिखाने के लिए हमने आज फिर दोबारा से ये लपेटू चने बनाए हैं, ताकि इसके साथ हम एंजॉय करें। आप भी ज़रूर बनाएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कॉम्बिनेशन जो ग्रेट सा था आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।